हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डिफरेंशिएशंस के पहले वीडियोस देख लिए हों जिसमें मैंने आप लोगों को चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, डिफरेंशिएशन बाय ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस को देख लिया हो, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हों, देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन की देता हूँ कि पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या। वट इज़ पैरामेट्रिक फंक्शंस? तो पैरामेट्रिक फंक्शंस को आप ये मान के चलें कि जैसे मानकर चलिए कि एक्स और वाई आपको दो फंक्शंस दे रखे हैं, लेट एक्स एंड वाई आर टू फंक्शंस, एक्स एंड वाई आर टू फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल टी, That is, x is equals to ft and y is equals to gt. x is equals to ft and y is equals to gt. तो सभी को पता है कि जब हम इस फंक्शन को x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट dx over dt and ये कहलाएगा आपका f dash t, और जब हम y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी डी वाई ओवर डी टी एंड दिस विल बी नोन एज जी डैश टी। एंड वॉट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब हमें डी वाई ओवर डी एक्स ऑप्टेन करना है तो डी वाई डी एक्स ऑप्टेन करने के लिए आपको डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी निकालना पड़ेगा, एंड डी वाई डी टी को वी कैन राइट जी डैश टी ओवर एफ डैश टी। और एक चीज सभी को मालूम है, वे एफ डैश टी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इन दिस मैनर वी विल सॉल्व डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, लेट एक्स एंड वाई आर गिवन टू फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल टी। तो एक्स और वाई दो फंक्शन है जिनको टी के रेस्पेक्ट में, टी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर आपका जो t है, t इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ये जो t है, t, इसी को हम बोलेंगे पैरामीटर, राइट? तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को हम कैसे करेंगे? तो पहले आपने x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dx ओवर dt, f डैश t हो गया। y को किया तो dy ओवर dt, g डैश t हो गया। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट dy ओवर dx, तो ये हो गया आपका dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है? जी डैश टी ओवर एफ डैश टी। इन दिस वे वी विल गेट डी वाई डी एक्स ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सो प्लीज ट्राई टू सी। सिंपल से क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 280, और आपसे पूछा गया है dx ओवर dy ओवर dx, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी dx ओवर dt, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा 280। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बी डी वाई ओवर डी टी, और टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना बचा? 2a। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डी वाई ओवर डी एक्स। इट विल बी व्हाट? डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, तो डी वाई डी टी की वैल्यू 2a और इसकी वैल्यू कितनी है? 280। तो 2a से 2a कैंसिल हुआ तो आपको डी वाई डी एक्स कितना मिला? 1/t, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप, सीधे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो हियर द पैरामीटर इज थीटा। यहाँ जो पैरामीटर है वो थीटा है आपका। तो
when we will differentiate x in respect of theta, with respect of theta, it will be dx over d theta. एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन सभी को पता है, माइनस का साइन थीटा, ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया ए माइनस का ए साइन थीटा, और डीवाई डी थीटा हमारा निकल के आया बी कॉस थीटा. अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डीवाई ओवर डीएक्स, तो डीवाई ओवर डीएक्स के लिए डीवाई ओवर डी थीटा दैट इज बी कॉस थीटा अपॉन में कितना हुआ माइनस का ए साइन थीटा, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए cos over sine is cot theta. आज का एग्जाम्पल नंबर टू जो कि बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और ले रहा हूँ उसके बाद पैरामेट्रिक के लिए. और इस पैरामेट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एच ओ डी में, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स में. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बच्चे वहाँ पर किस तरीके से गलतियाँ करते हैं. थर्ड एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं. थर्ड एग्जाम्पल आपका x इज इक्वल्स टू a cos square theta and y is equals to b sin square theta. बेसिक आपको समझ में आ चुका है, अब आपको मालूम ही है इसमें करना क्या है हमको. यहाँ dx over d theta, जब मैं cos square theta को differentiate करूँगा तो मुझे मालूम है इसमें chain rule लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a cos theta. जब मैं कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बी माइनस का साइन थीटा, तो माइनस मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराए दे रहा हूँ, तो ये हो गया. तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा जो आपको मिला ये हो गया माइनस का ए, और सभी को मालूम है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट साइन टू थीटा, तो मुझे डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल चुकी है. नाउ अब मुझे निकालना है डी वाई ओवर डी थीटा, तो वापस से साइन स्क्वायर थीटा की मैं बात करूँ तो चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, इट विल बी टू बाय साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस थीटा. तो यहाँ भी अगर मैं फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो इट विल बी वॉट बी इंटू साइन टू थीटा. अब सभी को मालूम है वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है बी साइन टू थीटा अपॉन माइनस का ए साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा से ये कैंसिल हुआ तो आपका आंसर आया माइनस का बी अपॉन ए, राइट. तो ये मैंने आप लोगों को तीन एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस के. अब थोड़े से क्वेश्चंस कम लेवल चेंज करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल लेवल था आपका. अब एग्जांपल नंबर फोर की हम बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में, और ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे. फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको x दे रखा है a t प्लस साइन t, ध्यान से देखें, और y दे रखा है a 1 माइनस cos t. यहां से जब मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dx ओवर dt विल बी व्हाट, इट इज a, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा t के रेस्पेक्ट में 1, प्लस sin t का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos t, तो मुझे यहां पे dx ओवर dt की वैल्यू मिल चुकी है a into 1 प्लस cos t. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, dy ओवर dt, तो a तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 1 का करूंगा 0 आएगा, cos t का माइनस साइन t होगा, cos t का माइनस साइन t होगा, बाहर माइनस का साइन है तो इट विल बी व्हाट प्लस का साइन t. देखिए अब हमें dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dx कितना हुआ dy ओवर dt दैट इज द a साइन t अपॉन में कितना आया a 1 प्लस cos t. आप यहां आंसर छोड़ सकते हैं साइन t ओवर 1 प्लस cos t, राइट. लेकिन सपोज करिए कि क्वेश्चन आपका अगर ये एमसीक्यू में आया हुआ होता तो आप इसको और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं. साइन टू थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम साइन टी को क्या लिख सकते हैं, टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू अपॉन में वन प्लस कॉस टी का फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, टू से टू कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ,
in this way, sin t by 2 over cos t by 2 is what? tan t by 2. तो देखिए मैंने आपको चार एग्जांपल बता दिए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, या हम इसे कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. इसके बाद मैं आपको एक अलग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आता रहता है. देखिए वहाँ लिमिट के साथ क्वेश्चन है. तो एग्जाम्पल नंबर 5 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आस्क द डाउट, इनबॉक्स मी, कमेंट मी फॉर योर डाउट्स सो दैट आई कैन अपलोड वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू. फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ. तो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू, ये एक्स में फंक्शन है. वाई के फंक्शन की मैं बात करूं तो जो वाई का फंक्शन है वो ए साइन थीटा है और वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर. हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर. देखिए ये क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है. थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर आपको रिप्लेस करनी है. तो सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा. तो अब सभी को आज समझ में आ रहा होगा कि मैं जब एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये ए बाहर रहेगा. कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को मालूम है माइनस का साइन थीटा होगा. अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो एक बार चेन रूल आपका फिर से क्लियर हो जाएगा. लॉक टेन थीटा बाई टू का डिफरेंशिएशन करूंगा तो सबसे पहले मैं लॉक का डिफरेंशिएशन करूंगा. लॉक के लिए ये एक्स है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स. तो अपॉन में कितना आ जाएगा टेन थीटा बाई टू. फिर सभी को मालूम है कि टेन का डिफरेंशिएशन सेक में होता है तो इट विल बी वॉट sec स्क्वायर थीटा बाई टू. फिर सभी को मालूम है कि मेरे को एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है थीटा बाई टू को तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा वन. तो मल्टीप्लाइड में कितना बचेगा वन बाय टू. यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा. इसके साथ में ही मैं आपको डी वाई ओवर डी थीटा लिख कर दिखाई देता हूँ. तो डी वाई डी थीटा इज गोइंग टू बी वेरी इजी. इट इज वॉट ए कॉस थीटा. अब हम dx ओवर d थीटा को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी. तो ये हो गया a माइनस का साइन थीटा प्लस सभी को मालूम है sec स्क्वायर थीटा कितना होता है. देखिए ये हो जाएगा आपका 2 बाहर tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और इनटू में ऊपर चल रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2. एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा. तो इन नेक्स्ट स्टेप मैं इसको लिख सकता हूँ dx ओवर d थीटा को a माइनस का साइन थीटा और प्लस का वन अपॉन एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं आप अपनी. यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 और ऊपर नीचे से cos थीटा बाई 2 जब नीचे आएगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगा. ध्यान से देखें ये cos थीटा बाई 2 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आने के बाद इट विल बिकम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 विच कैन बी रिटन एज साइन थीटा. अब मैं इसको a जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर प्लस 1. तो इट विल बी व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है बच्चों साइन थीटा. और इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूँ a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. तो मेरे को यहाँ पर dx ओवर d थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, dy ओवर d थीटा की वैल्यू मिल चुकी है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो इट विल बी व्हाट a cos थीटा अपॉन में a cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा. a से a कैंसिल हुआ, cos से cos कैंसिल हुआ और ये कितना बचा tan थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4. तो मैं यहाँ पे tan पाई बाय 4 रिप्लेस करूँगा तो इट विल बी व्हाट 1. तो आपका ये आंसर आ चुका है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू
please try to attempt the question of parametric functions, and in next video I will explain you about the differentiation of a function with respect to another function जो कि आपके सिलेबस में है, और आप इस पर बेस्ड मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इनके क्वेश्चंस करें, फिर एक वीडियो में आपकी ये लिए लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन एक साथ रिवाइज करा दूँगा। थैंक यू सो मच।